और दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए द्वारका इस्कॉन मंदिर ने कोरोना मरीजों के लिए भोजन वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल पहले भी द्वारका इस्कॉन मंदिर ने कोरोना मरीजों को खाना उपलब्ध कराया था। आपको बता दें कि कोरोना काल में मंदिर में दिल्ली की सबसे बड़ी किचन चलाई जाती है और जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया जाता है। हम तो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोविड की वेव 3 आए और नया साल की शुरुआत हो तो कोरोना से हो, लेकिन क्योंकि अभी आपदा आई तो एक बार फिर से एकजुट होने का समय है ये। और जैसे कि हमने वेव 1 में भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से और आप सबके सहयोग से हम हर रोज़ 5 लाख प्लेट बांट पाए और वेव 2 में करीब 40,000 प्लेट्स बांट पाए, तो वेव 3 की अब जब शुरुआत हुई तो हमने पिछले करीब 3-4 दिनों से इंक्वायरी आ रही थी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। करीब 700 से 800 प्लेट्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और हम किसी भी स्केल तक जाने के लिए, इसको लेके जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। दिल्ली में लॉकडाउन शनिवार इतवार को लगेगा, ये तैयारी जो है सरकार ने भी की हुई है और पहले सचेत कर दिया है कि कोविड जिस तरीके से तेजी से फैला है तो वीक डे लॉकडाउन लगाना ही पड़ गया। उसी तरीके से जो लगातार दो साल से इस्कॉन मंदिर यहाँ कोविड के लोगों के लिए एक सेवा का काम कर रहे हैं और हम वहीं पहुँचे इस्कॉन मंदिर द्वारका में। यहाँ पर इस्कॉन द्वारका वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर भोजन वितरण देने की योजना फिर से शुरू कर दी है। जो कोविड है उनको भोजन देने के लिए यहाँ तैयारी की जा रही है और पहले लॉकडाउन से यह तमाम 5,000 से भी ज़्यादा शुरुआत जो है 5,000 से हुई थी कि लगातार जो है भोजन दिया जा रहा था। और यहाँ टीचर में भी दिखाते हैं किस तरीके से जो कोविड से मरीज होते हैं उनको किस तरीके से भोजन की व्यवस्था यहाँ देनी है। ये देखिए हम किचन में पहुँचे हैं और यहाँ तमाम जो है भोजन तैयारी है। ये टमाटर है, इस टमाटर को गला के आगे सब्जी बनाई जाएगी, फिर चावल है इस तरीके से, और ये सब्जी है यहाँ सब्जी बनाई जाएगी इस तरीके से, फिर ये मसाले यहाँ पर जो सब्जी किस तरीके से कोविड में लग रहा था कि भोजन कैसे होगा, कोविड के लोगों को भोजन कौन बनाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं बचाता, घर का हर व्यक्ति कोविड से था लेकिन खाना भी पड़ोसी देने से डरा था। ऐसे में वहाँ पर इस्कॉन मंदिर स्थापित होता है और यहाँ भोजन शुरू हो जाता है, यानी कि कोविड आ रहा है ओमिक्रॉन की वजह से फिर तैयारी इस्कॉन मंदिर ने कर दी है। भारद्वाज जनता टीवी दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।